नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्थानीय ब्लॉक सभागार में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की प्योर लाइफ सोसाइटी टीम द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी निशा सागर ने बताया कि आरआरसी केंद्र पर कूड़े का निष्पादन किया जाता है। केंद्र की सफलता के लिए ग्रामीणों को इस सुविधा से जोड़ना होगा। कार्यशाला में बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा देवी ने जल संरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि जल बचाया जा सकता है किंतु बनाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर उपस्थित ब्लॉक कर्मियों को जानकारी दी गई कि टीम द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर मात्र समिति कार्यक्रम, प्राथमिक विद्यालय पर आर्ट प्रतियोगिता, स्वच्छता मेला, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और पेयजल एवं स्वच्छता समिति आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में टीम ग्राहकों को जागरूक करेगी। प्योर लाइफ टीम में डीपीसी राम प्रकाश ने बताया कि जल संरक्षण पर ही हम सभी का जीवन आधारित है। कार्यशाला के बाद खंड विकास अधिकारी निशा सागर विश्वकर्मा तथा एडीओ पंचायत दीप कांत चोला द्वारा स्वच्छता वाहनों की हरी झंडी दिखाकर ग्राम पंचायत के लिए रवाना किया गया। लखनऊ की टीम में जहीर सिद्दीकी, सैफ अभिषेक कुमार, राहुल तिवारी, मास्टर ट्रेनर आशीष अवस्थी व हर्षित गुप्ता तथा चंदन पांडे आदि सदस्य शामिल रहे। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।